हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, फर्टिलिटी में, ओव्यूलेशन में, इम्प्लांटेशन सक्सेस करने में खून की कमी बहुत बड़ी समस्या है और ये इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व भर की कंट्रीज में, देशों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इसको दूर करने के लिए हमको कई तरीके से प्रयास करने पड़ेंगे। क्यों ना हम बिना किसी मेडिसिन के अपने खान पान के तरीके से प्रचुर मात्रा में बहुत अच्छे तरीके से आयरन लेना सीख जाएं। इसी क्रम में अगर आपके शरीर में खून की कमी नहीं है तो आपको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ेगी। इसके अलावा आपका ओव्यूलेशन अच्छे से होगा। ओव्यूलेशन होने के सिवा आपके एग की क्वालिटी भी अच्छी होगी और इम्प्लांटेशन यानी कि गर्भ ठहरने में भी बहुत आपको आसानी होगी। आपके पीरियड्स हमेशा सही रहेंगे। तो सभी महिलाओं के लिए आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो, चाहे वो गर्भधारण की तैयारी कर रही हो, चाहे वो पहली बार हो, चाहे वो दूसरी बार हो, या फिर उनके पीरियड्स ठीक नहीं है। सभी तरीके से महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट है और बिल्कुल फ्री में मिलने वाली चीज़ है। एक बहुत ही आसान सी पत्तियाँ हैं, उसका प्रयोग आपको बहुत छोटे छोटे तरीके से सिखाऊंगी। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स उसको यूज करते ही होंगे, लेकिन उसको और अच्छे से यूज करना आज आप सीख जाएंगे। फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए करी पत्ते बहुत ही फायदेमंद होते हैं। करी पत्ते हमारे घर में भी लगे होते हैं, हम गार्डन में, हमारे घर के आसपास अगर गार्डन्स हैं तो उनमें भी लगे होते हैं। इनसे बड़ा अच्छा सा अरोमा, बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। जनरली कड़ी पत्ते को पोहे में, कई तरह की चटनियों में, साउथ इंडिया में बहुत सारे डिशेस में कड़ी पत्ते का यूज़ होता है। कड़ी पत्ते को जनरली मीठा नीम भी कहते हैं। कड़ी पत्ता ना केवल फ्लेवर देता है बल्कि ये भर भर के न्यूट्रिशन भी देता है। अब आप आश्चर्यचकित होंगे कि कड़ी पत्ते में क्या ऐसा न्यूट्रिशन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अनीमिया, खून की कमी दूर करने के लिए ये हरे हरे पत्ते बहुत ही काम के हैं। आगे हम इसके बहुत आसान यूजेस सीखेंगे कि डेली जो आप अपना खाना बनाते हैं, जो भी फूड प्रिपेयर करते हैं सुबह से रात तक का, उसमें इसको बहुत आसानी से आप शामिल कर सकते हैं। पर एक नज़र डालते हैं कि इसमें पाया क्या जाता है, इतनी अमेजिंग कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं जिससे कि हमको बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। फ्रेंड्स, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, ये सारे तत्व पाए जाते हैं और ये स्पर्म की क्वालिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, पीरियड्स ठीक करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, आपके हार्मोन बनाने के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं ये सारे तत्व, एग की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए भी जरूरी होते हैं ये सभी तत्व। इसके अलावा इसमें फर्टिलिटी बढ़ाने वाला विटामिन ई भी पाया जाता है। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी भी पाया जाता है। बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का फर्टिलिटी के लिहाज से बहुत महत्व है क्योंकि ये एग और स्पर्म की क्वालिटी को मेंटेन रखने में काफी मदद करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कई तरह के फ्लेवोनॉइड्स और भी बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो कई तरीके से करी पत्ता देखा जाए तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अब बात करते हैं स्पेशल बेनिफिट्स फर्टिलिटी के लिए क्या क्या है। सबसे पहला कि आपके शरीर में अगर खून की कमी है तो बहुत सरलता से ये करी पत्ता जब खाने में हमारे ऐड होगा तो खून की कमी की प्रॉब्लम हल हो जाएगी। साथ ही अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, अगर आपको पीसीओडी है या थायराइड है, अगर आपको वेट लॉस नहीं हो रहा है तो करी पत्ते का यूज जरूर कीजिए। आप अगर डायबिटिक हैं या फिर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है तो करी पत्ते आपके डेली के खान पान में जरूर ऐड होने चाहिए क्योंकि ब्लड शुगर को बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल कर लेता है। साथ ही एंटी इंफ्लामेटरी भी होता है और ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो अगर आपको यूट्रस रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन है, एंडोमेट्रियोसिस है, फाइब्रॉइड्स हैं, इसके अलावा ओवरीज में भी किसी तरीके से सिस्ट की प्रॉब्लम है तो आपको ये चीज़ें लेनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर जितने भी मिनरल और विटामिन हैं वो आपकी बॉडी को हीलिंग इफेक्ट देते हैं। साथ ही ये स्ट्रेस को कम करने के लिए भी मददगार होती है। तो फ्रेंड्स, गर्भधारण के लिए अब करी पत्ते को लेना कैसे चाहिए, कोई एक तरीका नहीं है कि बस उसी तरीके से आप करी पत्ते को लें और उसके अलावा आप ना लें। अगर आपको ताज़ा करी पत्ता मिलता है तो आप उसको डेली ताज़ा तोड़कर इस्तेमाल कीजिए। हो सके तो अपने घर में एक छोटा सा करी पत्ते का प्लांट लगा लीजिए क्योंकि ताज़ा होने पे फ्लेवर थोड़ा सा ज़्यादा, खुशबू थोड़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन जिन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है डेली करी पत्ते को तोड़ के या फ्रेश यूज़ करना, वो उसको तोड़कर सुखाकर रख सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा उसका पाउडर बना के रख सकते हैं और उस पाउडर को आप सैंडविच बना रहे हैं तो सैंडविच की फिलिंग में ऐड कर दीजिए, चाहे वो पनीर की हो, चाहे वो आलू की हो, चाहे वो वेजिटेबल्स की हो, आप उसमें डाल सकते हैं। आप कोई सैलेड बना रहे हैं वेट लॉस के लिए, जैसे मूंग का, स्प्राउट्स का, किसी भी चीज़ का, आप उसमें ऐड कर दीजिए। आप रायता बना रहे हैं, रायते में ऐड कर दीजिए। आप छाछ दही ले रहे हैं, उसमें आप ऐड कर सकते हैं। आप कोई सब्जी बना रहे हैं तो उसके तड़का जब आप लगाते हैं सब्जी में, उसमें आप हींग की जगह पर कड़ी पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं। कई तरीके से, और इसके अलावा आप खुद भी इनोवेट कर सकते हैं कि जो चीज़ें आप पकाते हैं किन में आप कड़ी पत्ते को कैसे कैसे डालें। महिलाएं
अपने से भी इनोवेट कर सकती हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं करी पत्ते का, आप इसको चाय में डाल सकते हैं। करी पत्ते की टी भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगर आपको टी के तरीके से नहीं पीना है तो आप इसको सिंपली फर्टिलिटी बढ़ाने, शुगर कंट्रोल करने के लिए, वेट लॉस के लिए, खून की कमी दूर करने के लिए सिंपली पानी में बॉयल कर लीजिए। थोड़े से पत्तों को 10-15 पत्ते ले लीजिए, उसको पानी में बॉयल कर लीजिए एक कप जितना और उसको सिप करके पी लीजिए। आपकी चॉइस है, अगर आप उसमें हनी या कुछ स्वीटनर ऐड करना चाहें और नहीं ऐड करना चाहें तो वो वाटर भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर आप चाय नहीं पी पा रहे हैं, वो पानी नहीं पी पा रहे हैं, तो आप करी पत्ते को अपने फूड में, डेली के फूड में, दाल, सब्जी, नाश्ता, स्नैक्स कहीं ना कहीं ऐड ज़रूर कीजिए। एक चम्मच डेली ले लेना बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा अगर आप पत्तियां ले रहे हैं तो 10-11 पत्तियां ज़रूर डेली इस्तेमाल कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि पत्तियां हमको डायरेक्टली यूज़ नहीं करनी है, तो आप तेल में, गरम ऑयल में करी पत्ते को डाल दीजिए, फ्रेश पत्ते को, और उसका फ्लेवर उसमें आ जाने दीजिए। फिर उस ऑयल को आप कई चीज़ों को पकाने में यूज़ कर सकते हैं। आप इसी तरह ऑयल के अलावा घी में करी पत्ते को गरम करके रख सकते हैं। करी पत्ता आप निकाल दीजिए, लेकिन घी में, ऑयल में उसका जो फ्लेवर आ जाता है, उस घी और ऑयल को आप सब्जी बनाने, दाल में तड़का लगाने, रायते में तड़का लगाने, किसी भी चीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे इस्तेमाल बताए हैं, इसलिए बताए हैं ताकि किसी भी तरीके से आप इसको डेली ज़रूर शामिल कर पाएं, क्योंकि ये बहुत ही सस्ता, बहुत ही आसान, और महिलाएं इसको बहुत आसानी से डेली यूज़ कर पाएंगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें कि करी पत्ता हम सबके घरों में इस्तेमाल किया जा सकता है और हेल्थ इश्यूज़ को भगाया जा सकता है। हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।